नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल ऑन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर, सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में। पल पल की लेटेस्ट अपडेट मैंने आप सभी को कहा था कि आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो मामला हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से क्या क्या देखने के लिए मिला है, डिटेल में सारी जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूं, और साथ ही इसके बाद में जब आदेश अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं कोर्ट अपडेट को लेकर। कोर्ट में यहाँ पे जैसे ही पहली सुनवाई शुरू होती है, तो यहाँ पे छात्रों के वकीलों की तरफ से बताया गया कि परीक्षा को लेकर जो जानकारी दी गई थी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन के अंदर, कि यह परीक्षा मंडल स्तर पर करवाई जाएगी, लेकिन बाद में शुद्धि पत्र जारी किया गया और इस परीक्षा को जनपद स्तर पर कराए जाने का फैसला लिया गया। लेकिन इसको लेकर छात्र पूरे तरीके से खुश नहीं है। छात्रों के अधिवक्ताओं का कहना था कि यहाँ पर छात्रों का कहना है कि परीक्षा के अंदर धांधली होगी, भ्रष्टाचार होगा, तो ऐसे में इस परीक्षा को जनपद पर ना करवाते हुए मंडल स्तर पर करवाया जाए। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से जो मांग है वो रखी गई है, और उसी के आधार पर इस याचिका को फाइल किया गया है। तो इसके बाद में यहाँ पे जजेस की तरफ से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, चयन बोर्ड से, साथ में सरकारी वकील से। अब यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से तो बताया गया कि इस परीक्षा को सिर्फ मंडल स्तर पर करवाया जाए, ना कि जनपद स्तर पर होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे जजेस की तरफ से जब चयन बोर्ड के अधिवक्ता या फिर हम कहें कि सरकार के अधिवक्ता से पूछा गया, तो उन्होंने जानकारी दी कि इस परीक्षा को लेकर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि यहाँ पे अक्टूबर 2031 तक इस परीक्षा को करवाना है, 2021 तक इस परीक्षा को करवाना है, उसी के आधार पर इस परीक्षा को कराए जाने का जो फैसला है वो चयन बोर्ड की तरफ से लिया गया है। तो ऐसे में फिलहाल इस परीक्षा को लेकर जो जल्दबाजी की जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और उसी के आधार पर यहां से परीक्षा हो रही है। तो यहां पर जजेस की तरफ से पूछा गया कि अगर विज्ञापन के अंदर पहले मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने की जानकारी दी गई थी, तो आखिर इस परीक्षा को जनपद स्तर पर क्यों करवाया जा रहा है। तो यहां पर चयन बोर्ड की या फिर सरकार के अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि परीक्षा को जो करवाए जाने का फैसला लिया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोरोना संक्रमण का। कोरोना संक्रमण के बीच में जो अभ्यर्थी आसपास के नहीं है, अगर मंडल स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है तो छात्रों को दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे कि संक्रमण फैलने की और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में उनकी तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जनपद स्तर पर परीक्षा कराए जाने का फैसला इसलिए लिया गया है। इसी के साथ उनकी तरफ से ये भी जानकारी देखने के लिए मिली, साथ ही यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया कि छात्रों की तरफ से जो याचिका फाइल की गई है, उसमें छात्रों के अधिवक्ता ने बताया कि अगर जनपद स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है तो इससे भ्रष्टाचार के पूरे तरीके से रास्ते खुल जाएंगे। तदर्थ शिक्षक जो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से अपने विद्यालयों के अंदर चयनित हैं, उनको उनके ही विद्यालय के अंदर सेंटर मिल गया है। इसको लेकर भी छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से बहस की गई। अंत में यहाँ पे उनकी तरफ से अपने सारे के सारे पॉइंट रखने के बाद में फिर यहाँ पे सवाल किया गया भ्रष्टाचार को लेकर, कि जनपद स्तर पर परीक्षा होने से एक व्यापक स्तर में आपको कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इसको लेकर सरकार के अधिवक्ता की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार तो मंडल स्तर पर होने वाली परीक्षाओं के अंदर भी होता है, जैसे कि जनपद स्तर पर जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार जो होगा वो जनपद स्तर के अलावा मंडल स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है तो उसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। साथ में उनकी तरफ से सरकार की व्यवस्था को लेकर उनकी तरफ से हवाला दिया गया, और सरकारी वकील की तरफ से बताया गया कि परीक्षा को लेकर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, CCTV कैमरे वगैरह और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसके आधार पर इस परीक्षा को करवाया जाएगा। एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूँ, इस वीडियो को हजारों अभ्यर्थी देख रहे हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आप सभी को यहाँ इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है बिल्कुल सही तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। तो लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। तो इसके आधार पर उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा को जनपद स्तर पर करवाते हैं या मंडल स्तर पर, दोनों आधार से यहाँ पे कहीं ना कहीं परीक्षा के अंदर धांधली हो सकती है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए, अगर परीक्षा में धांधली होती है तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की या फिर चयन बोर्ड की होगी। इसी के साथ में उनकी तरफ से यहाँ बताया गया सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कि फिलहाल परीक्षा को हमें करवाना है 31 अक्टूबर 2021 तक, इसी वजह से अभी कोई बदलाव संभव नहीं है।
तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से यहाँ पे जो आदेश दिया गया, मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि परीक्षा तय समय पर होगी कि नहीं। अभी जो कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया है वो यही है कि परीक्षा आपकी नियत समय पर होगी, 7 और 8 अगस्त को, 17 और 18 अगस्त को। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण देखने के लिए मिला है वो ये है कि कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 31 अक्टूबर तक इस परीक्षा को करवाना है, तो उसी के आधार पर जजेस की तरफ से यहाँ पर जो आदेश है वो दिया है। और साथ ही मैं आप सभी को एक और जानकारी दे दूँ कि अब जो परीक्षा जनपद पे होगी कि मंडल पे होगी, तो इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि ये परीक्षा जनपद स्तर पर ही होगी, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलती है। हालांकि अभी तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है, शाम तक अपलोड होगा। जो जानकारी मुझे अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप सभी को बता दी है। अब एक जानकारी और देखने के लिए मिली है, कोर्ट की तरफ से यहाँ पे आदेश दिया गया है कि इस परीक्षा को जो करवाया जाएगा CCTV कैमरे लगवाकर हर एक परीक्षा केंद्र के अंदर, हर एक परीक्षा केंद्र के कमरों के अंदर CCTV होने अति आवश्यक हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। साथ में उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि हर परीक्षा केंद्र के अंदर जहाँ पे CCTV कैमरे लगेंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर अगर परीक्षा के अंदर कोई धांधली के सवाल उठते हैं, भ्रष्टाचार के सवाल उठते हैं, तो उसके आधार पर CCTV कैमरे को रिकॉर्ड करते हुए जानकारी ली जा सकती है कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे में दो बातें मैं आप सभी को बता दूं, कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उस परीक्षा को जनपद स्तर पर कराए जाने का है, मतलब कि मंडल स्तर पर परीक्षा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि परीक्षा तय समय पर होगी कि नहीं, तो इसके बारे में भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सरकारी वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 31 तारीख तक इस परीक्षा को करवाना है, तो परीक्षा में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और जस्टिस इरशाद अली सल की तरफ से भी यही आदेश दिया गया है। अंत में इस याचिका का हम आसान भाषा में कहें तो कोई फैसला नहीं हो पाया। जो आदेश चयन बोर्ड की तरफ से दिया गया था या फिर जिस आधार पर परीक्षा चयन बोर्ड की तरफ से करवाई जा रही थी उसी तरीके से परीक्षा होगी। कोर्ट की तरफ से बस CCTV कैमरे के बारे में जानकारी दी गई है कि परीक्षा जहां कहीं पर भी हो उसके अंदर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए और उसी के आधार पर यहाँ पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कोर्ट की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर फिर भी इसके अलावा धांधली जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं तो इसके खिलाफ अलग से कार्रवाई आयोग के ऊपर, चयन बोर्ड के ऊपर, साथ में सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर होगी। तो आसान भाषा में समझें, अब आपकी जो परीक्षा है तय समय पर ही होगी, कोर्ट की तरफ से परीक्षा पर कोई स्टे नहीं लगाया गया, परीक्षा के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, परीक्षा जनपद स्तर पर ही होगी, कोर्ट की तरफ से ये भी आदेश आ चुका है। तो ऐसे में ये हो जाती है तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।